लाओ बुलाए तुमरू अल्लाह, लाओ बुलाए तुमरू अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक, लाओ बुलाए तुमरू अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। बेशक मोमिनो बेशक बेउरा कमा महमत कहे बेशक मोमिनो बेशक बेउरा कमा श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारे श्री महमति कहे मोमिनो, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। एह कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, पर चौथे दिन की संया करो विचार, संया करो विचार। जब मोहम्मद साहिब की आप अक्षराती धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से चौथे दिन की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। जब मोहम्मद साहब को पर्दे में हुए 990 वर्ष और 9 माह बीत गए थे। 10वीं सदी में अभी सवा 9 वर्ष बाकी थे। रूह अल्लाह से मिसल गाजियो मोमिन उतरे तरफ परम धाम की श्यामा जी। मिसल गाजियो, गाजी किसको कहते हैं? जो धर्म पर सर्वस्व समर्पण करते हैं। आजकल गाजी शब्द का अर्थ बहुत विकृत हो गया है। तैमूर लंग ने मेरठ नगर में 1 लाख स्त्री, बच्चों और बूढ़ों का कत्ल कर दिया। किस लिए? कि ये हिंदू काफिर होते हैं, इनको मैं कत्ल करूंगा तो मेरा अल्लाह ताला खुश होगा। उसको कहते हैं गाजी। गाजी का अर्थ यह नहीं होता है। सबसे बड़ा युद्ध तो होता है आंतरिक युद्ध। आंतरिक युद्ध है, अपने इंद्रियों से लड़ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा, ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन शत्रुओं से जो जितनी अधिक बहादुरी से लड़ता है उसको गाजी कहते हैं। जिहाद का भी उल्टा अर्थ ले लिया गया है। आजकल जिहाद का अर्थ किया जाता है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको मारो, अल्लाह ताला इससे खुश होगा। जिहाद का अर्थ होता है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध यानी धर्म के लिए युद्ध करना। हमारा धर्म क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन। और यदि हमने प्रीतम को पाने की चाहत में अपनी तृष्णाओं को छोड़ दिया, जो मन हमें मायावी विकारों में फंसा रहा है, अपने विकार रूपी षड शत्रुओं को जिसने जीत लिया वो सबसे बड़ा जिहादी है। लेकिन जब स्वार्थपरक अर्थ किए जाते हैं तो संसार में उल्टी गंगा बहने लगती है और सारा संसार युद्ध की आग में जल पड़ता है। यहाँ बीतक में कहा जा रहा है, रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले ब्राह्मणियों के साथ श्यामा जी आई, यानी परम धाम की आत्माओं के साथ आती हैं। कब? जब विक्रम संवत 1938 का समय होता है और हिजरी गणना के अनुसार 10वीं सदी में अभी 9.25 वर्ष बाकी रह गए। 990 वर्ष बीत गए होते हैं। 9वीं सदी के 10वीं में अभी 9.25 वर्ष बाकी रहते हैं पूर्ण होने में। 11वीं सदी के कुरान के आम पारे में लिखा है, 10वीं हिस्सा 11 इमाम 12वीं सदी फजर तमाम लिखा बीज सिपारे आम 30वां सिपारा जागोना। कुरान के 30वें सिपारे में, जिसको आम सिपारा कहते हैं, उसमें कहा गया कि 10वीं सदी में श्यामा जी आएगी। वर्ष 990 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और 9 महीने बीत चुके थे। समय है विक्रम संवत 1638 का। स्थान है उमरकोट गाँव। पिता है मत्तू मेहता, माता है कुंवर बाई। उमरकोट आज पाकिस्तान में चला गया है, सिंध के इलाके में पड़ता है और वहाँ पानी की समस्या हमेशा ही रहती है। जब श्री देवचंद जी का जन्म होता है, तन है श्री देवचंद जी का, इसके बारे में धर्म ग्रंथों में पहले से साक्षी चली आ रही थी कि देवापि संतनोर भ्राता मरुच इक्ष्वाकु वंशजा कलाप ग्राम आसाते महायोग विलानितो ताव यहत कलेर अंते वासुदेव अनुशिक्षतो वर्णाश्रम धर्म प्रयुतम पूर्वत प्रतिष्ठिता। यानी संतन के भाई देवापि और जो चंद्रवंशी राजा थे, जो सूर्यवंश में उत्पन्न हुए मरु राजा थे, दोनों हिमालय के कलाप ग्राम में तप कर रहे हैं। ये भागवत की साक्षी है। कलाप ग्राम हिमालय का वह स्थान है जहाँ सामान्य व्यक्ति पहुँच नहीं पाता। आजकल तो एवरेस्ट पर भी चले जाते हैं, लेकिन जो योगियों का प्रसिद्ध स्थान है, यानी मानसरोवर से लेकर कैलाश होते हुए बद्रीनाथ तक का जो क्षेत्र है, सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। हिमालय तो हिंदुकुश पर्वत से लेकर असम तक फैला हुआ है, लेकिन यह जो इलाका है, कैलाश, मानसरोवर और बद्रीनाथ तक का, ये सारा क्षेत्र केदारनाथ तक का, गंगोत्री तक का सबसे अधिक पवित्र इसलिए माना जाता है कि सबसे अधिक साधना यहाँ ऋषि मुनियों ने की है। आज भी यदि आप गंगोत्री में जाइए, मैं वहाँ जाकर के देखा हूँ, किसी भी स्टॉल पर आपको लहसुन प्याज तक नहीं मिलेगा। यदि किसी दुकानदार ने लहसुन प्याज भी अपनी दुकान पर रख लिया या किसी होटल वाले ने सब्जी में, दाल में लहसुन प्याज डाल दिया, तो उस पर जुर्माना लग सकता है, जेल हो सकती है। मांस और शराब तो दूर की बात है। अब देवापी और मरु दोनों का जीव इस भावना से तप कर रहा है कि जब सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रकटन हो तो हमारा जीव उनके लिए तन धारण करे, क्योंकि परब्रह्म कभी गर्भ में नहीं आते। परब्रह्म की आवेश शक्ति ही किसी तन में प्रविष्ट हो सकती है। इसी प्रकार पुराण संहिता के 31वें अध्याय में ये बात दर्शाई गई है। 16 श्लोकों में शंकर जी ने गुप्त रुके से ये बात कही है। 16 श्लोकों को मिलाएंगे तो एक श्लोक बनेगा। वह श्लोक होता है सुंदरी च इंदिरा नामाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाया प्रतिबुद्धे भविष्यतः कलौयुगे। दो आत्माएं परम धाम की, सुंदरी और इंदिरा। सुंदरी कौन है? श्यामा जी। सुंदर बाई श्यामा जी नाम मत्तु मेहता घर अवतार। परब्रह्म की हिलादनी शक्ति को श्यामा जी कहते हैं, उनको भी उन्हीं को सुंदर बाई भी कहते हैं। सुंदरी जो तन धारण करेगी उनके नाम से चंद्र शब्द जुड़ा होगा, और परम धाम की इंदिरा यानी इंद्रावती जो तन धारण करेगी वो नाम सूर्य से होगा। संस्कृत में मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, और ऐसी स्थिति है कि मिहिर और सूर्य दोनों एकार्थवाची हैं। संस्कृत में भी मिहिर होता है और अरबी भाषा में भी मिहिर होता है, दोनों का अर्थ सूर्य ही होता है। आप देखेंगे मिहिर राज इंद्रावती जी ने जो तन धारण किया है उसको मिहिर राज कहते हैं। वैसे भीतक में मेहराज आ गया है। मेह का अर्थ बादल होता है, मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। लिखते समय अपभ्रंश के कारण मिहिर का मेहराज हो गया है, मिहिर राज की जगह। अब देवचंद जी के जन्म की महिमा क्या है? कौन आया है इस तन में? सुखदाई सबन को अखंड करनहार, सबको अखंड मुक्ति देने वाले। सुखदाई सबन को, जब उनका जन्म होता है तो सारे मारवाड़ में खुशी की लहर फैल जाती है। मारवाड़ में तो फैली है, सारे ब्रह्मांड में। सुखदाई सबन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अच्छे लोग सुखे परीक्षित कहियो सुविचार। सुखदेव ने परीक्षित से कहा है कि हे परीक्षित, सारा संसार अक्षर ब्रह्म तक का ही ज्ञान जानता है। अक्षर ब्रह्म भी क्या? सबलिक को अक्षर और केवल को अक्षरातीत मानकर दुनिया संतोष कर लेती है। सत्स्वरूप तक तो कोई बिरले जानता है। वेद में साक्षी है कि त्रिपार्थ ऊर्ध्वोदयित पुरुषः, परम धाम कहाँ है? योग माया से परे। लेकिन सारा संसार, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बेहद मंडल को ही अक्षरातीत का धाम माने बैठे होते हैं। मांडूकोपनिषद में, कठोपनिषद में ये बातें दर्शाई गई है कि सर्वे वेदा यत् पदम अमंत, सभी वेद जिस पद का वर्णन करते हैं। तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति, और जिसके लिए तरह तरह के तपों का वर्णन करते हैं। यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्त, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रोक्षे, नचिकेता से यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं वह पद बता रहा हूँ, ओम इत्येतत्। वह पद ओम है। ओम का अर्थ क्या है? अक्षर। ओम इत्येतत् अक्षरम, यानी वेद का मूल प्रतिपाद्य विषय अक्षर है। काल माया का कोई भी प्राणी कितना भी तप कर ले, कितनी भी साधना कर ले, बेहद से परे नहीं जा सकता, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण का न कभी आगमन होता है, न वहाँ को इसमें प्रवेश कर सकता है। काल माया से, योग माया से कोई भी परमधाम में नहीं जा सकता। परमधाम की आत्माएं इस नश्वर जगत की लीला को देखने के लिए अनहोनी घटना के रूप में सुरता के द्वारा आई हैं। अक्षरातीत का आवेश भी इस संसार में आकर के श्री देवचंद जी के तन में, श्री मेहराज जी के तन में लीला करेगा। कोई तन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, न वहाँ से कोई तन यहाँ आ सकता। लेकिन राज जी ने ऐसी लीला की, वहीं बैठे बैठे परमधाम की आत्माओं को माया का खेल दिखाया। कल और परसों आपने सुना था कैसे ब्रज में परमधाम की आत्माएं आई थी, यहाँ के जीवों के तनों में बैठकर उस लीला को देखा, पुनः रास में गई। रास के पश्चात परम धाम में गई। इच्छा पूरी न होने के कारण पुनः इस जागृत ब्रह्मांड में आना पड़ता है। अब ये स्वरूप कौन है? सुखदायी सबन को अखंड करनहार। ये सबके लिए सुखदायी है, क्योंकि इनके द्वारा परम धाम के ज्ञान का विस्तार होना है। सारे त्रिगुणात्मक यह सृष्टि मोह सागर से पैदा हुई है। बीतक के इस प्रसंग में कहा गया है कि त्रिगुण समेत विस्तार। त्रिगुण का अर्थ होता है सत्व रजतम। पौराणिक मान्यता में इसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। लेकिन यह याद रखिए कि हर व्यक्ति में कुछ सतोगुण होता है, कुछ रजोगुण होता है, कुछ तमोगुण होता है। 100% कोई सतोगुण नहीं हो सकता, 100% कोई रजोगुणी नहीं हो सकता और 100% कोई तमोगुणी नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि की यह प्रक्रिया है। हर पदार्थ में तीनों कम या अधिक मात्रा में होंगे, नहीं तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, ये गुण भी हैं और द्रव्य भी है, सत्व रजतम। सतोगुण में ज्ञान की स्थिति होती है, रजोगुण में कर्म की स्थिति होती है और तमोगुण में उसको स्थिर रखने की प्रक्रिया होती है। तमोगुण नहीं रहेगा तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। रजोगुण के बिना कर्म की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा में रजोगुण की प्रवृत्ति अधिक है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वेद का अध्ययन, सृष्टि का संचालन। विष्णु भगवान की पौराणिक मान्यता है कि वे सबकी रक्षा करते हैं, वे सतोगुणी हैं। शंकर जी को तमोगुणी माना जाता है, क्योंकि वो संहार करते हैं। लेकिन शंकर जी सृष्टि के प्रारंभिक योगी भी हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी तमोगुणी व्यक्ति योग साधना नहीं कर सकता, ध्यान समाधि नहीं लगा सकता, इसलिए शंकर जी में सतोगुण की प्रवृत्ति भी है। लेकिन बोलचाल में, वाणी या वितक में जहाँ भी त्रिगुण शब्द आता है तो उनसे त्रिदेवा का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। कहीं कहीं इसका भाव संपूर्ण जीव सृष्टि के लिए भी होता है, क्योंकि संपूर्ण जीव सृष्टि मोह सागर से उत्पन्न हुई है और सत्व रजतम के बंधन में है। ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था में सत्व रजतम के बंधनों से जब परे हुआ जाता है तो अपने स्वरूप का बोध होता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब तक सत्व रजतम का बंधन हमें बांधे रहता है तब तक हमें यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। अब ये स्वरूप कौन है? जिस स्वरूप को कोई नहीं जानता। मैंने अभी कहा ऋषि मुनि जितने हुए सभी वेद का अनुशीलन करते हैं। वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म को यह पता नहीं कि श्यामा जी कौन है। आपको विदित होगा अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से चांदनी चौक में खड़े होकर केवल राज्य के आधे मुखारविंद का दर्शन करते आ रहे हैं। श्यामा जी को उन्होंने कभी नहीं देखा। सखियों ने कभी अक्षर ब्रह्म को देखा नहीं था, क्योंकि राज्य के दिल में जब तक यह बात आए नहीं, न सखियां अक्षर को देख सकती हैं, न अक्षर ब्रह्म सखियों को देख सकते हैं, क्योंकि एक अक्षरातीत का दिल ही तो सभी रूपों में लीला कर रहा है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया था, जब तक मैं नहीं चाहूँ तब तक मेरा दायां हाथ या बायां हाथ सक्रिय नहीं हो सकता। उसी तरह से राज्य के दिल में आए बिना न तो सतंग में कोई लीला हो सकती है, न आनंद अंग में लीला हो सकती है। हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई, पर बातून सुध तिनको नहीं हक इलम दिखावे सो। अक्षरातीत की खबर केवल अक्षर ब्रह्म को है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म उनके सतंग है। अक्षर की विभूतियों को भी अक्षरातीत का यथार्थ ज्ञान नहीं, लेकिन अक्षर ब्रह्म जिस श्यामा जी के बारे में नहीं जानते, जिन सखियों के बारे में नहीं जानते, तो संसार भला क्या जान सकता था। इसलिए संसार ने अद्वैत का अर्थ यही लगाया, केवल एक परमात्मा। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन सूर्य उगता है तो उसकी हलादिनी उसकी अंदर की तेजस्विता ही तो कार्य करेगी। चंद्रमा उगता है, उसकी शीतलता ही तो उसका आधार है। शीतल चांदनी तो तभी फैलेगी जब उसके अंदर शीतलता का भंडार होगा। जैसे फूल में सुगंध है, चंद्रमा में शीतल प्रकाश की स्वर्णिम आभा है, सूर्य में तेजस्विता है, उसी तरह से अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम का रस बहता है, उस प्रेम रूपी रस का जो सार तत्व है वो है आनंद। और उस आनंद शक्ति को लादनी शक्ति, हलाद का अर्थ क्या होता है? आह्लाद, प्रेम। उस लादनी शक्ति को कहते हैं श्यामा जी। प्रेम का सागर जब उमड़ रहा होता है तो उसमें से आनंद का रस बरसता है और उसी आनंद रस की लहरें सखियां कहलाती हैं। अक्षरातीत अपने ही स्वरूप में आप क्रीड़ा कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वलीला अद्वैत, यानी अपने ही निज स्वरूप में क्रीड़ा करने वाला, अनंत रूपों में होते हुए भी मात्र एक है। वही श्यामा जी है, वही सखियां हैं, वही खूब खुशहालियाँ हैं, वही परमधाम की 25 पक्ष हैं। संसार इस रहस्य को आज दिन तक नहीं जान सका था। आज भी चारों वेदों को कंठस्थ करने वाले, चारों वेदों पर व्याख्यान देने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन स्वलीला अद्वैत की व्याख्या इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सका था। अब कौन आया है? वही परम धाम की श्यामा जी। इसलिए सुखदाई सबन को, सबके लिए सुखदाई है। अखंड करण हार विश्व बंदे अक्षर लो, सुके परीक्षित से कहियो विचार। अब जब श्री देवचंद जी का जन्म होता है, जन्मे श्री देवचंद जी आए प्रगटे मरवाड़ में। समय क्या है? आश्विन के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, आश्विन क्वार मास को कहते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को देवचंद जी का जन्म होता है। उस जन्म में श्यामा जी की आत्मा प्रवेश करती है। श्यामा जी कभी गर्भ में नहीं जाएगी, गर्भ में जीव जाएगा। 9 मास तक जीव ही गर्भ में रहेगा और उसके पश्चात परमधाम की आत्मा, अखंड की आत्मा उस तन में प्रवेश करती है। परमधाम की ब्रह्मात्मा की सबसे पहली पहचान क्या है? जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहाँ निदान। माया के संसार में आने के बाद परमधाम की ब्रह्मात्मा को कभी यह नहीं लगेगा कि संसार के देवी देवता हमारे आराध्य हैं, हमारे सर्वस्व हैं। उनके बीच में रहेगी तो भी उसका दिल कचोटता रहेगा कि नहीं, मेरी राह कुछ और है। श्री देवचंद जी का तन बड़ा होने लगता है। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो यह विचार, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा वरदार। 11 वर्ष के होते होते श्री देवचंद जी के मन में यह प्रेरणा आती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है। सृष्टि के जितने मनीषी हैं उनके अंदर यही जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ। को हम कुतः आगतो श्वेताश्वर उपनिषद में यह बात बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई गई है। जो अध्यात्म तत्व का चिंतन करते हैं उनके मन में यह प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, इंद्रियाँ हूँ, अंतःकरण हूँ कौन। जन्म से पहले मेरा रूप दिख नहीं रहा था। शरीर के नष्ट होने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ, क्योंकि शरीर तो जलकर राख में परिवर्तित हो जाएगा। वह कौन था जो शरीर के पैदा होने से पहले भी था और शरीर के नष्ट होने के बाद भी कौन रहेगा। सबको मोह होता है। मनुष्य 3 चीज़ों से डरता है, मौत से, बुढ़ापा से और रोग से। कोई नहीं चाहता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी से मैं पूछूं क्या आप मरना चाहते हैं? कोई नहीं मरना चाहता। कोई बूढ़ा होना चाहता है? नहीं। कोई रोगी होना चाहता है? नहीं। जब ज़्यादा कष्ट होता है तो लोग परमात्मा को दोषी बनाने लगते हैं। परमात्मा ने मृत्यु क्यों बनाई, बुढ़ापा क्यों दिया, रोग क्यों दिया। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा को बुद्धि नहीं थी। यदि तीनों जिस दिन समाप्त कर दिए जाएंगे, इस पृथ्वी पर शायद ही कोई आस्तिक रह जाए, सब नास्तिक हो जाएंगे। मौत आती है तो बड़े से बड़े नास्तिक को भी कंपा देती है कि क्या मैं मर जाऊँगा, मैं मरूंगा तो होगा कैसे, ये मेरा शरीर तो ऐसे ही रह जाएगा। कल्पना कीजिए आपकी उम्र 100 साल की हो गई है, चला नहीं जाता, बैठा जाता नहीं, क्योंकि शरीर का परिवर्तन तो होगा। यदि मृत्यु नहीं आए तो इस शरीर को लेकर के क्या करेंगे। मौत आती है। यदि आपने परम तत्व को जान लिया तो आपको शाश्वत ब्रह्मानंद का आनंद मिलेगा। आपका शरीर भी, आपकी चेतना प्रकाश में ही शरीर धारण कर लेगी और ब्रह्मानंद में विहार करेगी। यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं किया तो आपको पुनः नया तन मिलेगा जो 100 वर्ष 200 वर्ष की उम्र लेकर आएगा, और उस नए तन से आपको पुनः अवसर दिया जाएगा कि इस तन से तुमने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, तुम्हारा तन बूढ़ा हो गया था, फिर ये नया तन। इसलिए मृत नए जीवन का संकेत है, मृत अखंड ब्रह्मानंद में डूबने का संकेत है। एक महिला संत हुई है सहजोबाई, उन्होंने कहा है मैं तो प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मृत्यु कब आएगी, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मैं तो इस शरीर के बंधन में हूँ, शरीर ससीम के बंधन में कब तक बंधी रहूँगी, कब तक मेरी आत्मा इस शरीर के बंधन में रहेगी। शरीर से छूटने के बाद तो असीम आनंद में जहाँ चाहूँ वहाँ विचरण करूँगी, अनंत परमात्मा के आनंद में डूबूंगी। अज्ञानी व्यक्ति मरने का नाम सुनते ही कांपने लगता है, क्योंकि उसको शरीर से, संसार से मोह हो गया होता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा तो ये घर द्वार भी छूट जाएगा, ये रिश्ते नाते भी छूट जाएंगे। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिल गया है वो कभी भयभीत नहीं होता। रोग क्यों आता है? शरीर में जो विकृति पैदा हो जाती है, उस विकृति को जब बाहर निकालते हैं तो रोग का रूप धारण कर लेता है। बुढ़ापा है, आप देखते हैं मनुष्य को शरीर के प्रति कितना आकर्षण होता है कि बुढ़ापे में भी श्रृंगार करता है। युवा तो करता ही है, बच्चा भी करता है। बुढ़ापा संकेत देता है, रे मानव तेरे बाल अब सफ़ेद होने लगे, तेरे चेहरे का सौंदर्य जाने वाला है, ये शरीर नश्वर है, तू अपनी आत्मा के अखंड सौंदर्य की तरफ देख, ये मिट्टी के पुतले के सौंदर्य पर इतरा नहीं। इसलिए बुढ़ापा भी वरदान है, मृत्यु भी वरदान है, रोग भी वरदान है। परमात्मा ने जो कुछ बनाया है उसमें बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। किसी भी स्थिति में परमात्मा को आप दोष नहीं दे सकते। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा परतार। सामान्य प्राणी अपनी सारी उम्र खाते पीते गुजार देता है। बम्बई के स्टेशन पर खड़े हो जाइए, संसार की वास्तविकता का पता चल जाएगा। जानवरों की तरह लोग ट्रेनों में भर कर खाते हैं। किस लिए? सवेरे 9 बजे स्टेशन पर खड़े हो जाइए। इस पापी पेट को भरने के लिए जनता की भीड़, एक ट्रेन आएगी दूसरी ट्रेन आएगी, लोकल ट्रेनें गुजर रही हैं, सवेरे सवेरे लोग भाग रहे हैं। कहाँ? कार्यालय जाना है, किसी को मिल जाना है, काम करना है। शाम को फिर खड़े हो जाइए 7 बजे, आप देखिए ट्रेनें भर कर आ रही हैं। काम करके आए हैं बेचारे, 9 बजे तक पहुँचेंगे घर, भोजन बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, सवेरे फिर काम पर भागना है। खाते पीते सोते उम्र पूरी हो जाती है। इनमें कोई होता है बिरला जो सोचने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, इंद्रियाँ हूँ, अंतःकरण हूँ, क्या स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं कौन हूँ, कौन था, और शरीर के छूटने के पश्चात मैं रहूँगा कहाँ, मेरा रूप क्या होगा। बेहद की आत्मा सोचेगी या परमधाम की आत्मा सोचेगी, या इस सृष्टि में जो महान होते हैं केवल वो सोचते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने कभी सोचा था, जनक ने सोचा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सोचा था, महापुरुष ही सोचा करते हैं। संसारी प्राणी तो भौतिक सुख सुविधाओं में डूब करके ये मानते हैं कि यही सब कुछ है। एक चक्रवर्ती सम्राट के भी भाग्य में नहीं होता कि वह सोचे कि मैं कौन हूँ। सोने के महलों में रहने वाला महान नहीं होता। महान तो वह होता है जो यह कल्पना करता है, भर्तृहरि की तरह, कि वो दिन कब आएंगे जब मैं हिमालय में गंगा के किनारे शिला पर बैठकर ध्यान में इतना डूब जाऊं कि हिरण अपनी सींग से मेरी पीठ खुजाए करें और फिर भी मेरी समाधि न टूटा करे। गंगा तीरे हिमगिरि शिला बत पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यान अभ्यास विधिना योग निद्राम गतस्य। ये स्वर किसके हैं? उस भर्तृहरि के, जो संपूर्ण भारत के सम्राट हैं, लेकिन अब वैराग्य ले चुके हैं। उनको अपने सोने का महल काटने को दौड़ता है। घर घर भिक्षा मांगते हैं, सत्तू कोई जौ का दे दिया उसका ही आहार है, लेकिन खुश हैं कि अब मैं सोने के सिंहासन नहीं चाहता, अब तो मैं दिन रात समाधि में डूबे रहना चाहता हूँ। अध्यात्म का मार्ग दुष्कर होता है, लेकिन अंततो गत्वा सबको इसी मार्ग पर आना पड़ता है। उन चक्रवर्ती सम्राटों से पूछिए जो सोने की सैया पर, फूलों की सेज पर सोया करते थे, जब वानप्रस्थ का समय हुआ अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर वनों में निकल जाया करते थे कि यह संसार तो नश्वर है। मदालसा अपने बच्चों को लोरी सुनाया करती थी, शुद्धवश बुद्धवश निरंजनवशी संसार माया परिवर्जितवश, बेटे तू शुद्ध है बुद्ध है, संसार की माया से अलग है। भाई थोड़ा उन बच्चों को कोई बंद कराया ना, तब से शोर मचा रखा है इन्होंने। एक माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है कि तुम शरीर नहीं हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। आजकल की माताएं घर में टीवी खोल देंगी, बच्चे गंदी पिक्चरें देखते हैं तो संसार के ही तो बारे में सोचेंगे। आज के बच्चों को अध्यात्म शब्द का ही पता नहीं होता, वो रामकृष्ण को नहीं जानते। हाँ, पिक्चर वालों के नाम जरूर याद करेंगे, अपनी वेशभूषा भी उन्हीं की नकल जैसा बनाएंगे। आज का बालक महान योगी नहीं बनना चाहता, महान विद्वान नहीं बनना चाहता, वो फैशन में अपने बालों को रखता है, पिक्चर वालों की नकल करता है जैसे वे उनके आदर्श हों। लेकिन देवचंद जी के अंदर तो श्यामा जी की आत्मा है, वो इस नश्वर संसार के सुखों के लिए नहीं आई है। जब हया बरस 11वां तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन कहाँ से आया कहाँ है मेरा भरतार। ये जीवन की प्राथमिक कक्षा है। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 16 साल तक होती है, प्राय 18 समझ लीजिए। किशोरावस्था में अध्यात्म का यदि अंकुर फूट गया तो वो वृक्ष का रूप ले सकता है। यदि किशोरावस्था में आध्यात्मिकता का संस्कार नहीं मिला तो संभव है माया में मन चला गया, फिर उसको निकालना कठिन होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है किशोरावस्था में कि उसमें वैराग्य पनपता है। यदि वो वैराग्य प्रज्वल अंकुरित हो गया, बढ़ता गया, तो मनुष्य आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ पाता है, नहीं तो 18 वर्ष के पश्चात उसमें सांसारिकता पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब श्री देवचंद जी को ऐसी जगह भेजा है राज्य ने, ऐसे स्थान पर जन्म दिया है। श्यामा जी को ऐसी माया की लीला दिखानी है जहाँ पानी ही नहीं होता। कच्छ के उस इलाके में चले जाइए, सिंध के इलाके में पानी के लिए मारामारी मची रहती है। पहले राजस्थान में भी ऐसे इलाके थे जहाँ पानी के लिए बहुत दूर दूर से ढो करके लाना पड़ता था। आजकल तो सबके घरों में नल की फिटिंग हो गई है, केवल टोंटी खोलना होता है, पानी तुरंत बाल्टी में भर जाया करता है। उस जमाने में जब कुएँ होते थे बहुत दूर दूर पर, पानी उसमें से रस्सियों से भर भर कर निकालना पड़ता था। और उमरकोट के उस गांव में पानी की कमी से कोई साधु महात्मा नहीं आया करते थे, क्योंकि साधु महात्मा ज्ञानी जन वहीं तो जाएंगे जहां पानी कुछ मिले। जहां पानी का ही अकाल हो वहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। अब देवचंद जी सवेरे उठते हैं, उनके अंदर तड़प है कि मैं कैसे खोजूँ परमात्मा को। सबसे पूछते हैं कि बताओ परमात्मा के बारे में मुझे बताओ। हर कोई कहता है कि परमात्मा तो घट-घट में है, सारे संसार के कण-कण में व्यापक है। ये तो है, घट-घट में है, उसकी सत्ता वो स्वयं नहीं है। अभी देखिए सूर्य इस समय पृथ्वी से 14,98,00,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसका प्रकाश पड़ रहा है तो आपको अभी गर्मी लग रही है, पंखे चलाने पड़ रहे हैं। यदि सूर्य ही पृथ्वी के कण-कण में व्यापक हो जाएगा तो उसके तेज को कौन झेलेगा? संसार ये नहीं समझ पाएगा। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर सृष्टि के कण-कण में है तो सारी सृष्टि ब्रह्मरूप हो जाती है, क्योंकि उस अग्नि में सूर्य लोहा डालेंगे तो लोहा भी अग्नि के समान हो जाएगा। ब्रह्म की सत्ता में जगत है, ब्रह्म के स्वरूप में जगत नहीं है। ब्रह्म के स्वरूप में यदि यह जगत होता तो भक्ति किसकी, ज्ञान किसके लिए पढ़ा जाता। इसलिए परमात्मा की कणकण में सत्ता है और उसी सत्ता से यह सारी सृष्टि संचालित हो रही है। लेकिन जो ब्रह्म का अखंड स्वरूप है वो माया से सर्वथा परे है। लेकिन अभी तो देवचंद जी खोज रहे हैं। प्रातःकाल उठते हैं, सवेरे उठकर लोटा लेकर के जाते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं और उनके गांव के बाहर पिंगल श्याम यानी राधे कृष्ण का एक मंदिर था। उन्होंने सोचा कि जब यही मंदिर है, मैं इस मंदिर में मूर्ति विराजमान है राधे कृष्ण की, मैं इनकी आराधना करूं। पूरे प्रहर भर तक 3-3 घंटे तक लेट कर परिक्रमा करते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर। लेकिन मूर्ति भला क्या बोलती। लंबे समय तक करते रहते हैं, संतोष नहीं मिलता है, शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि जड़ पदार्थ की उपासना कभी मन को शांति नहीं दे सकती। आज सारा देश इसी में लगा पड़ा है। हिंदू समाज का बहुसंख्यक वर्ग जड़ पूजा में तल्लीन हो गया है। जो परमात्मा चेतन है उसको सबने जड़ बना दिया। आओ श्री देवचंद जी जब देखते हैं कि मूर्ति पूजा से मुझे शांति नहीं मिल पाती है तो सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे मुझे आगे का मार्ग मिल सके। एक बार अपने पिता के साथ वे कच्छ आए होते हैं, क्योंकि उनके पिताजी व्यापार किया करते थे। घोड़ों का, बैलों को बेचकर जो उससे लाभ मिलता था उसी से घर का गुजारा चलाते थे। देखिए कैसी लीला है। श्यामा जी को एक सामान्य परिवार में डाला, गरीब परिवार है, किसी तरह से गुजर बसर हो रहा है। मनुष्य आजकल अपने को बड़ा कब मानता है, जब उसके पास कोठी बंगला हो, अच्छा धन हो, प्रतिष्ठा हो, ऊंचा कुल हो। बड़पन की पहचान नहीं है। मनुष्य अपने आचरण से बड़ा होता है। एक बार अब्राहम लिंकन कहीं जा रहे थे, उनके एक विरोधी ने कहा, अरे ये तो अब्राहम लिंकन बहुत छोटे घर का आदमी है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि हाँ, मैं अवश्य छोटे घर का हूँ, क्योंकि परमात्मा छोटे घर वालों से ज़्यादा प्रेम करता है, तभी उसने छोटे लोगों को ज़्यादा बनाया, संख्या में बनाया है। कहने का असर क्या है, उम्र से, धन से, रूप से, कुल से कोई व्यक्ति महान नहीं माना जाता। महान वह होता है जिसका आचरण महान होता है, जिसने धर्म के तत्व को अपने हृदय में जितना धारण किया होता है वही महान होता है। श्यामा जी की आत्मा को तो माया का खेल दिखाना है। यदि वे राजघराने में पैदा हो जाते तो उनके चारों तरफ नौकर चाकर घिरे रहते हैं, उनको खोज करने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन उनको तो माया दिखानी है कि माया का कष्ट क्या है। अब श्री देवचंद जी जब पिता के साथ कच्छ देश आए होते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो केवल मंदिर हैं, जगह जगह चर्चा प्रवचन हो रहा है। सोचे कि उमरकोट में तो ये सौभाग्य ही नहीं मिलता कि कहीं ज्ञान की चर्चा हो, मैं अवसर मिलने पर कच्छ देश आऊँगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। यह मन में बात रख ली। पिताजी से कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उनके अंदर अब विरह की आग जल रही है। वैराग्य ऐसी अवस्था है। वैराग्य का अर्थ क्या होता है, जिसमें संसार से राग समाप्त हो जाता है। वैराग्य यानी राग से रहित होना। राग किसको कहते हैं, आसक्ति से, संसार से, अपने घर द्वार से, अपने शरीर से, अपने घर के संगे संबंधियों से। ये मेरे माता पिता हैं, ये भाई बंधु हैं, ये पुत्र पुत्री हैं, ये बहनें हैं, इनसे आसक्ति होना राग है। और जब यह राग समाप्त हो जाता है, केवल परमात्मा को पाने की तड़प लग जाती है, तो उसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य कई तरह का होता है। एक होता है ज्ञान वैराग्य, हृदय में विवेक जल गया, विवेक जागृत हो गया तो लगा कि नहीं ये सब झूठा है, मनुष्य उसको छोड़कर परमात्मा की तरह मुड़ पड़ता है। और एक होता है भेष का वैराग्य, अंदर तो तृष्णाओं की ज्वाला धधक रही है और वस्त्र धारण कर लिया जाता है कि हम विरक्त हैं। मैंने अनेक आश्रमों में भी देखा है, एकांत में कई आश्रम ऐसे बने होते हैं जहाँ सारी सुख सुविधाएँ होती हैं। खूब प्याज खाते हैं लोग, खूब मिर्चा खाते हैं, ध्यान भक्ति का नाम नहीं। कहने के लिए उनके आश्रम जंगल में बने होते हैं। मैंने उन आश्रमों में जा जा कर के देखा है कि जैसे घरों में तृष्णा होती है वैसे उन आश्रमों में रहने वाले लोग भी वही खान पान रखते हैं, वैसे ही सोते रहते हैं। वास्तविक वैराग्य नहीं होता। जिसको वास्तविक वैराग्य कहते हैं वो है पर वैराग्य। पर वैराग्य कहाँ से पैदा होता है? समाधि अवस्था से। समाधि में ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आती है जब जन्म जन्मांतरों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं तो वह पर वैराग्य की अवस्था आती है। देवचंद जी के अंदर वही वैराग्य की ज्वाला धधक रही है। उनको परिवार का कोई सदस्य अच्छा नहीं लगता, एक ही तड़प है कि मुझे परमात्मा की खोज करनी है, लेकिन कोई पथ प्रदर्शक हो तब तो। संसार में कोई भी बिना पथ प्रदर्शक के कहीं आगे नहीं बढ़ता। ऐसा सृष्टि में कोई नहीं हुआ जिसको किसी ने मार्ग न दिखाया हो। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जो ऋषि भी पैदा हुए उनको भी परमात्मा ने जिगान दिया। अब देवचंद जी खोज करने के लिए चल देते हैं। उनके मन में भावना तो है कि मैं खोज करूं, कहाँ है परमेश्वर। कच्छ जाने का रास्ता ढूंढते हैं। परिवार के लोग उनको बेचैन होकर के समझाते रहते हैं। लगता है उनको शक होने लगती है कि कहीं देवचंद जी विरक्त तो नहीं हो जाएंगे। परिवार के लोगों को सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मेरा बेटा कहीं महात्मा न बन जाए। उनका प्रेम किस पर होता है? बच्चे के शरीर पर, कि ये घर रहेगा तो धन कमाएगा, धन ला करके देगा तो हम खुश रहेंगे। वो अपने मोक्ष का साधन करेगा। ये किसी किसी बिरले माता पिता को अच्छा लगता है, संसार को अच्छा नहीं लगता। देवचंद जी के पिता मत्तु मेहता भी कोई ऋषि मुनि तो थे नहीं। स्वाभाविक है, इकलौता पुत्र है और उससे प्रति ममता होना स्वाभाविक है। देवचंद जी प्रयास करते हैं कि कच्छ जाने का रास्ता कैसे निकले। उनको पता चला कि कच्छ देश के राजकुमार का ये उमरकोट के राजकुमार का विवाह कच्छ देश में होने वाला है। उन्होंने जाकर के राजा के जितने मंत्री थे उनसे पूछा, क्या आप अपने साथ हमें ले चलेंगे? जो वहाँ का मंत्री था वो भी कायस्थ कुल का था। श्री देवचंद जी भी उसी कुल के थे। आज से 300 वर्ष पूर्व जाति परंपरा बहुत प्रचंड रूप में थी। अब बीतक में भी देखेंगे जगह जगह जातियों के नाम लिखे रहते हैं। वर्ण और जाति में अंतर होता है। वर्ण का अर्थ होता है 4 वर्ण बनाए गए हैं, वो भी कर्म के अनुसार बनाए हैं। जन्म के आधार पर किसी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन आज दुर्भाग्यवश हिंदू समाज में 1000 जातियाँ हो गई हैं और सारी जातियाँ आपस में लड़ती रहती हैं, कहती हैं कि केवल हमारी जाति बड़ी है, दूसरी की जाति छोटी। और इसने हिंदू समाज को जर्जर कर दिया है। देवचंद जी वहाँ के मंत्री जो कायस्थ थे उनसे जाकर के पूछते हैं कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। मंत्री कहता है कि देखो, हमारे साथ एक रथ है और 200 सवार है, तुम्हारे पास कोई चलने का साधन है? देवचंद जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो पैदल ही चलने वाला हूँ। मंत्री साफ उत्तर दे देता है कि नहीं, यदि तुम्हारे पास घोड़ा नहीं, कोई संसाधन नहीं, तो मैं तुमको अपने साथ नहीं ले चल सकता, क्योंकि हमें तो जल्दी पहुँचना है। देवचंद जी के अंतर दृढ़ता है, 16 वर्ष की अवस्था है कि यदि कोई नहीं ले चलेगा तो क्या मैं पैरों से चला जाऊंगा। आज उमरकोट से कच्छ की में जो भोजनगर पड़ता है उसकी दूरी आप जोड़ेंगे तो लगभग 120 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, 120 किलोमीटर से अधिक ही पड़ेगा। और सड़क का मार्ग नहीं है, रेगिस्तान, तपती हुई रेगिस्तान की धरती है वो, जिसमें रास्ते का पता नहीं होता। ऐसे में श्री देवचंद जी पैरों से चल करके वहाँ जाने का संकल्प रखते हैं। आप सुंदर साथ देखिए, जब मनुष्य को प्यास लगती है तो पानी की कीमत वही जानता है। बंगाल वाले नहीं जान सकते कि पानी की कीमत क्या होती है, इसको तो रेगिस्तान में पैदा हुए व्यक्ति ही जान सकता है। उनके अंदर प्यास है तो 16 साल की अवस्था में 120 किलोमीटर पैदल चल करके जाने को तैयार है। आज हमारे समाज में ज्ञान की प्यास नहीं है तो एक एक को बुलाना पड़ता है कि अरे भाई चर्चा होने वाली है, आ जाइए आ जाइए। किसी का कोई बहाना होता है, किसी को कोई बहाना होता है। ब्रह्मज्ञान की चर्चा सुनने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि यह प्यास तो किसी किसी के अंदर पैदा होती है। कोई मेला लग जाता है तो जिसको जानना ही जाना हो वो भी भागा भागा जाता है। 5 दिन की दुल्हन भी आई होती है, वो भी मेले में जाना चाहती है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के लिए कोई नहीं जाना चाहेगा। क्यों कि मनुष्य की इंद्रियां बाहर देखती हैं, लोगों को दिखता है कि मेले में जाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यह पता नहीं कि जिसको हम अच्छा कहते हैं वही तो खराब है। स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट पदार्थ को खाएंगे तो मलमूत्र में ही तो परिवर्तित होगा। अच्छे से अच्छे कपड़े भी खरीदेंगे मेले से, वो भी एक दिन नष्ट होगा। लेकिन ब्रह्मज्ञान रूपी अमृत जिसके हृदय में अपना स्थान बना लेगा, उस जीव को लाखों जन्मों के कष्ट से छुड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत आनंद में विहार कराएगा। यह बोध किसी को होता है। अब श्री देवचंद जी दृढ़ संकल्प करके ये ठान लेते हैं कि मैं अवश्य जाऊंगा। दोपहर के भोजन के पश्चात विश्राम करने लगते हैं। अपना सारा सामान उन्होंने चोरी छिपे बांध लिया। धर्मशास्त्रों में लिखा है कि संन्यास कब लेना चाहिए, यावत अह एव विहरेत तावत एव प्रवर्जेत। जब हृदय में परमात्मा के ज्ञान की ज्वाला धधकने लगे, विरह पैदा हो जाए कि हमें परमात्मा को खोजना है, तावत एव प्रवर्जित, उस समय गृह त्याग कर संन्यास लेना चाहिए। लेकिन शास्त्रों ने एक विधान बनाया है कि यह अवस्था गृह आश्रम में प्रवेश करने से पहले होनी चाहिए। यदि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं तो 50 वर्ष की आयु तक, जब तक पत्नी के और पुत्र के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर देते, तब तक संन्यास लेने का अधिकार नहीं होता है। अब श्री देवचंद जी ने तय कर लिया कि पिताजी तो जाने नहीं देंगे। राजकुमार सिद्धार्थ यदि अपने माता पिता से पूछते कि मैं जंगल में जाऊंगा तप करने, तो क्या माता पिता जाने देते? क्योंकि उनकी तो पत्नी थी यशोधरा। राहुल पुत्र हो चुका है, लेकिन यशोधरा जानती थी कि आज राजकुमार सिद्धार्थ वन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ उठने लगे थे तो यशोधरा ने देखा था, लेकिन यशोधरा बाधक नहीं बनना चाहती थी। सच्ची पत्नी कौन होती है? जो अपने पति के कार्य में सहयोग देती है। वह पत्नी नहीं जो हर कार्य में महाभारत मचा देती हो कि मेरा पति इतना ध्यान करता है, मेरा पति इतना ध्यान करता है। कई जगह तो सुनने में आता है, कितने सुंदर साथ बताते हैं कि मेरी पत्नी नाराज होती है कि तुम्हें इतनी ध्यान भक्ति करनी थी तो मेरे से विवाह क्यों किया। अरे भाई, क्या परमात्मा का कोई ध्यान भी ना करे? लेकिन वो यशोधरा थी। यशोधरा का त्याग, उर्मिला का त्याग स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हर नारी यशोधरा नहीं बन सकती। करोड़ों में कोई एक यशोधरा पैदा होती है, करोड़ों में कोई उर्मिला पैदा होती है। मैं वैराग्य की बात कर रहा था। देवचंद जी को वैराग्य होता है। देवचंद जी तय कर लेते हैं कि हमें छिप करके जाना ही है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार देवचंद जी ने कुछ खाने का सामान रख लिया, आटा वगैरह रख लिया, बगचा बांधा, बगचा यानी टोकरी बांध दी, तवा रख लिया और लोटा भी रख लिया कि लोटे के बिना काम कैसे चलेगा। यानी सामान्य सी आवश्यकता की चीज़ें कि जब परमात्मा की खोज में निकलूँगा खाऊँगा क्या, जो जो हो सका चुपके से बांध कर रख दिया कि माता पिता की नज़र बचाकर मैं निकल पड़ूँगा। और ऐसे ही हुआ। माता पिता द्वार पर बैठे हों तो सबके सामने कैसे जा सकते हैं। 4:30 बजे के आसपास बारात निकल जाती है। वे देख रहे हैं कि बारात वाले तो घोड़ों पर बैठकर सरपट भागे जा रहे हैं, मेरे पास न घोड़ा है न ऊँट है और माता पिता दरवाजे पर बैठे। जब आप सत्य की खोज में निकलते हैं तो बाधाएं सामने आएंगी और बाधाओं का आना स्वाभाविक है। यदि बाधाओं से आप हार गए तो कभी सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। याद रखिए, संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक तो वो जो कठिनाइयों के डर से कोई महान कार्य प्रारंभ नहीं करते। दूसरे वे हैं जो प्रारंभ तो करते हैं लेकिन जब कठिनाइयाँ आती हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ लेकिन जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते कभी भी कदम पीछे नहीं हटाते और वही सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए सफलता का मूल मंत्र है दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प। हमारा संकल्प दृढ़ होना चाहिए कि यह कार्य करना है। कितने भी कदम डगमगाएं, माउंट एवरेस्ट पर कौन फतह कर सकता है? जिसका दृढ़ संकल्प होगा वही। तो एक खिलाड़ी लड़की थी, कुछ वर्षों पहले की घटना है। ट्रेन, वॉलीबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, ट्रेन में उसके पैर कट जाते हैं। बदमाश ने उसको धक्का दे दिया था। पूरी रात ट्रेन के नीचे, पटरी के नीचे पड़ी रहती। दर्जनों ट्रेनें गुजर गई। उसके पश्चात उसके पैर काट दिए जाते हैं लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है। अपने पैर में नकली पैर लगाकर एवरेस्ट की चोटी फतह कर लेती है। आज की कोई एक सामान्य लड़की ये साहस रख नहीं सकती। वो देवचंद जी हैं जिनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। कोई साधन नहीं तो क्या, दृढ़ संकल्प है कि मैं पैरों से चलकर दौड़ते हुए भी उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। आज हम सुंदर साथ को परम धाम की ब्रह्मवाणी की टीकाएँ दी गई, एक नहीं कई कई भाषाओं में। कहा जाता है 1 घंटे ध्यान कर लीजिए। सुंदर साथ क्या कहते हैं? कोई कहेगा पैर में दर्द है, कोई कहेगा कमर में दर्द है, कोई कहता है मेरे फोन आने वाले होते हैं, कोई कहेगा पतिदेव आने वाले होते हैं, कोई बहने कहेंगे कि हमारी सहेली आने वाली होती है। सारे रिश्ते बड़े लगते हैं, एक राज्य ही बेचारे छोटे लगते हैं जिनके लिए किसी के पास समय नहीं होता। ऐसे में राज्य से मिलन कब होगा, कब दीदार होगा? देवचंद जी का कथन है कि नहीं, देवचंद जी ने दृढ़ संकल्प किया है। कभी राजकुमार सिद्धार्थ ने भी तो दृढ़ संकल्प किया था, करिष्ये वाम ऋष्ये, मैं बुद्धत्व प्राप्त करूंगा या शरीर छोड़ूंगा लेकिन मैं करके रहूंगा। और 7 दिन 7 रात की समाधि के पश्चात उनको वो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। देवचंद जी की जगह आप सब सुंदर साथ होते तो क्या सोचते? 120 किलोमीटर जाना है, रास्ता का पता नहीं, साधन कोई है नहीं, रात हो रही है, 16 साल की अवस्था में कौन है जो जाएगा? लेकिन देवचंद जी अपना सामान ले लेते हैं, माता पिता से नज़र बचाकर निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर तक तो पैरों के निशान से चलते हैं, आगे का रास्ता पता नहीं। क्योंकि रेगिस्तान में विशेषता यह होती है, हवा बालू को उड़ाकर जमा कर देती है कहीं और, यानी कोई रास्ता ही नहीं मिलता कि किधर से जाएं। बालू के टीले सभी रास्तों को बिगाड़ते रहते हैं। और देवचंद जी अपार निष्ठा के साथ कि मुझे अपने प्रीतम को खोजा है। अभी आपने कीर्तन सुना था, पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी कोई बतावे पिया ठोर। कलश की वाणी में यह भाव बहुत मनोहर ढंग से दर्शाया गया है। श्री देवचंद जी चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं बारात के पीछे पीछे, लेकिन कब तक? पेट में दर्द हो जाता है। आखिर 16 साल का बालक कितने किलोमीटर तक दौड़ेगा? रात का समय आ जाता है। रात के उस घने अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तारों का प्रकाश कितना होगा, चंद्रमा का प्रकाश कितना होगा, कहीं कुछ वृक्ष हो, पगडंडी हो, पैरों के निशान हो, तब तो कोई जाए। जहाँ चारों तरफ बालू ही बालू हो, वहाँ कैसे कोई जाएगा? आजकल की माताएं तो अपने बच्चों को काकरोच से डराती हैं। ऐसे बच्चों को रात में कहीं छोड़ दिया जाए तो भय से उनके प्राण निकल जाएंगे। देवचंद जी को तड़प है परमात्मा की खोज की, और वो चल पड़ते हैं। रात के घने अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन चले जा रहे हैं। हृदय में प्यास है कि मुझे अपने प्रियतम से मिलन करना है। लेकिन याद रखिए, परमात्मा किसको कहते हैं? असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। आप उससे मिलने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम बढ़ाता है। आप चलते हैं तो वो दौड़ता है। लेकिन संसार इस रस को नहीं जानता। संसार तो कहता है कि हमने इतने साल गुजार दिए परमात्मा की याद करते करते, वो आता नहीं, क्योंकि दिल से तो कोई याद करता नहीं। भोग लगाते हैं तो अपना हिस्सा पहले ही तय कर लेते हैं कि इतना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। ऐसे भोग से क्या फ़ायदा? मंदिरों में कितना चढ़ावा चढ़ता है। मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, उस चढ़ावे में भी स्वार्थ होता है कि हम परमात्मा के नाम पर 1 लाख चढ़ाए हैं तो 2 लाख मिलेगा, तो अगले साल फिर चढ़ाएंगे। यदि लाभ नहीं होता है तो परमात्मा को ये चढ़ाना बंद कर देंगे। क्या दुनिया है स्वार्थ की! परमात्मा से प्रेम नहीं है। एक सूफी फकीर ने कहा है, बहुत व्याकुल होकर कहा कि मेरा बस चले तो मैं जन्नत को भी जला दूं और दोजख को भी जला दूं। पूछा गया कि ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा कि देखिए, परमात्मा को लोग याद करते हैं भय के मारे कि हम याद नहीं करेंगे तो दोजख में जला देंगे, और हम याद करेंगे तो जन्नत मिलेगा, उसमें सुख ही सुख है। परमात्मा से किसी को प्रेम नहीं है। भय या लालच में ये सब पूजा पाठ, मंदिरों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जो कुछ हो रहा है केवल भय के कारण हो रहा है। जिसको सच्चा प्रेम होगा उस परमात्मा से, वो तो निस्वार्थ प्रेम करेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है उस प्राण वल्लभ से मिलन। देवचंद जी के अंदर कौन है? परमधाम की श्यामा जी की आत्मा। ज्ञान का प्रकाश चाहिए, और उस प्रकाश के लिए देवचंद जी निकल पड़े हैं। अंधेरी रात में तब उस रेगिस्तान में चल रहे हैं, रास्ते का पता नहीं, और रास्ते में अचानक चलते समय उनको एक दिखाई पड़ता है कि सामने से कोई सिपाही आ रहा है। सिपाही कैसा है? भयंकर दाढ़ी है, हाथ में बर्छी है। आपको किसी आतंकवादी के सामने खड़ा कर दिया जाए, अकेले में है, तो आपको अपनी बहादुरी का पता चल जाएगा। भय के मारे आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन देवचंद जी कुछ दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं। मनुष्य में वीरता का गुण होना चाहिए। जिसमें वीरता का गुण नहीं होता, वो कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। न वो ऊंचे स्तर की साधना कर सकता है, न जीवन में कभी भी सफल हो सकता है। कष्टों से कभी घबराइए नहीं। आपके जीवन में कष्ट आएंगे, हर कष्ट को दृष्टा भाव से देखिए। आप कल अरबोपति थे, आज कंगाल हो गए हैं। धैर्य बनाए रखिए। जिसने रात्रि बनाई है उसने दिन भी बनाया है। अंधेरी रात के बाद प्रातःकाल अवश्य होगा, इसको आप विश्वास रखिए। यदि परमात्मा के प्रेम में आप कदम बढ़ा रहे हैं, कुछ कष्ट भी होते हैं, धैर्य बनाए रखिए। आपका प्राणेश्वर आपसे अनंत गुना प्रेम करता है। यदि आप 1 घंटे उसको याद करते हैं तो याद रखिए वो 24 घंटे आपको देखता रहता है। बिन बुलाए वो आपके हृदय मंदिर में बसता है। वो तो आपको उस कसौटी पर खरा सिद्ध करना चाहता है। जैसे किसी, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपने हमारे लिए कितनी अच्छा कोमल गद्दा बिछा रखा है। सर्वशक्तिमान प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में कैसे बैठाया जाए जिस हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की ज्वाला धधक रही है। कम से कम जीव को एक जीवन का स्वरूप लक्ष्य को पाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तृष्णाओं के जाल से स्वयं को हटाना तो पड़ेगा। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वो बाजी मार ले जाते हैं, अन्यथा परमात्मा इतना निकट है कि मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता। और यदि शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला, समर्पण प्रेम में कमी हो गई, तो इतना दूर भी है कि मनुष्य की बुद्धि सोच भी नहीं सकती। इसलिए वेदों ने क्या कहा, तद इह अंत के तद उदूरे, सबसे अधिक दूर से दूर है और सबसे अधिक निकट है, उससे अधिक कोई निकट नहीं। न पत्नी है न पति है, संसार का कोई भी रिश्ता इतना निकट नहीं है जितना कि परमात्मा निकट होता है। लेकिन बच्चा गिरता है, माँ को याद करता है, पिता को याद करता है, परमात्मा को कोई बिरला याद करता है। परमात्मा तब याद आता है जब मौत पास आ गई होती है, लगता है कि कोई संसार का संबंधी तो मुझे बचा नहीं पाएगा, अब मरते समय उस परमात्मा को याद कर लो। यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। सारी जिंदगी खो दिया संसार के रिश्तों में, मरते समय उसको याद करने से क्या होगा। या ज्वलक की वार्ता चल रही है गार्गी से, जनक का दरबार लगा हुआ है। गार्गी पूछती है कि सबसे बड़ी हानि क्या है इस संसार में। या ज्वलक उत्तर देते हैं कि जिसने शरीर छोड़ने से पहले परमात्मा को नहीं पाया वो सबसे बड़ी हानि उठाता है। यानी जीवन का स्वरूपर लक्ष्य है अरबपति बनना नहीं, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना नहीं, ये तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। शरीर छूटने से पहले हमारे हृदय मंदिर में परमात्मा के चरण कमल बस जाएं, हमारी आत्मा उस प्रियतम से मिलन करके उनके आनंद में डूब जाए, ये जीवन का स्वरूपर लक्ष्य होना चाहिए। अब श्री देवचंद जी चले जा रहे हैं। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि मैंने सागर में डुबकी लगाया, जिन खोजा तिन पानियाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बोड़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं डर के मारे बैठा रह गया, ये अपने लिए नहीं कहा है, समाज को शिक्षा देने के लिए कहा है। कबीर जी ने प्रेम में गोता लगाया, सब दरवाजे खोजे कबीरे बैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया तब जाए पाया अलिखा। लेकिन यह विनम्रता है। सब कुछ पाने के बाद भी कबीर जी कहते हैं कि मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, मैंने परमात्मा के प्रेम के सागर में मैं गोता नहीं लगा पाया, मैं किनारे बैठ कर देखता रहा। कहने का आशय क्या है कि जो भी प्रेम के सागर में गोते लगाएगा वो मोती परमात्मा की कृपा रूपी मोती को अवश्य प्राप्त करेगा। देवचंद जी चले हैं घर से खोजने के लिए परमात्मा को, मिलन होगा अवश्य, जिसके लिए कोई नियम नहीं होते। वो परमात्मा जो मन से परे है, वाणी से परे है, ऋषि मुनियों ने जिसको युगों युगों से खोजा, लंबी लंबी समाधियां लगाई, मूल संबंध के कारण वही प्रीतम अक्षरातीत देवचंद जी के सामने आते हैं। लेकिन किस रूप में? एक सिपाही के रूप में, एक अरब के पठान सिपाही के रूप में। तहां कच्छ की राह में दिया महमदे दिया दीदार, स्वयं श्री राज्य उस रूप में आते हैं, देवचंद जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। और वो चौपाई सुनिए जिसमें कहा गया है कि तलवार किसके हाथ में देते हैं। देवचंद जी के सामने वो सिपाही के भेष में राज्य आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे बालक, ये तलवार मुझे दे दे। तो परिणाम क्या होता है, यह सुनते ही देवचंद जी को डर लग जाता है। देवचंद जी रास्ते में चलते समय कटार भी लेते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था है। हर कोई एकांत में चलता है तो सोचता है कि मैं अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र तो लेते चलूं। देवचंद जी ने भी वैसा ही किया होता है। अब राज जी पूछते हैं देवचंद जी से, अरे बालक तुम ये कटार अपने हाथ अपनी कटार दे दो। आप चौपाई सुनिए क्या बोलते हैं। तुरंत तलवार छोड़ के, अब राज्य ने जैसे ही मांगा तो देवचंद जी अपनी तलवार देते हैं। दई हाथ में श्रीराज, यहाँ श्रीराज लिखा है, सिपाही नहीं लिखा, मोहम्मद नहीं लिखा। प्रकटवाणी में आया है पिया किए अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन। उनके हृदय में विरह फूट पड़ा है। अंधेरी रात में निकल पड़े हैं तो राजी उनको पहली बार दर्शन देते हैं सिपाही के भेष में, लेकिन माया का आवरण है, देवचंद जी पहचान नहीं पाते। दूसरी बार चितवनी में दर्शन देते हैं ब्रज बिहारी के रूप में, और तीसरी बार जब उम्र 40 वर्ष की हो जाती है प्रत्यक्ष इन नयनों से उनको दर्शन देते हैं। वो पूर्ण दर्शन होता है और उसके पश्चात उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते। आप सोचिए देवचंद जी ने कितना कष्ट झेला होगा। हम सुंदर साथ को तो कुछ भी कष्ट नहीं मिला, हमें घर बैठे बैठे ब्रह्मवाणी मिली है, अच्छे अच्छे भोजन आप करते हैं, एसी कमरों का सुख आप लेते हैं, फ्लाइट में आप घूमते हैं, सब सुख सुविधाएं आपके पास है। सारे देश के 40 लाख सुंदर साथ से कहा जाए कि सुंदर साथ जी अपने घर के कोमल गद्दों पर बैठकर 1 घंटा ध्यान तो कर लीजिए, लेकिन समय नहीं है। अधिकतर का उत्तर होता है क्या करें, समय का अभाव है। मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। यह मेरा है, यह मेरा है, मेरा यह काम है, मेरा यह काम है। परमात्मा कितना ऐरा गहरा हो गया है। हम जानते हैं कि राज्य के सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन हम 1 घंटे राज्य के लिए दे नहीं पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो पाता। अब देवचंद जी के हाथ से तलवार ले लेते हैं सिपाही भेष में राज्य। मालूम है कि देवचंद जी के पेट में दर्द हो रहा है। कहते हैं कि रे बालक लेट जा, अपनी पिछौरी बिछा देते हैं और देवचंद जी को कहते हैं कि लेट जा। देवचंद जी सोचते हैं कि लेटने का मतलब कि मेरी कहीं गर्दन पर तलवार काट लेते, तलवार चलाएगा, क्योंकि अपनी तलवार तो दे चुके हैं। मनुष्य को पहले भय होता है। भय क्यों होता है? अज्ञानता बस। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन हर प्राणी में होता है। मनुष्य सोचता है कि मैं मरूं नहीं, इसलिए भयभीत रहता है। अभय कौन है? जो ब्रह्मज्ञानी है। अन्यथा संसार का बड़ा से बड़ा राजा, बड़ा से बड़ा सेनानायक भी भयभीत रहता है। नादिर शाह ने दिल्ली में खून की नदी बहा दी, लेकिन उसी नादिर शाह को जब खोखरों ने घेर लिया था तो भी भय से कांपने लगा था। सिकंदर भी अपने मृत्यु से कांपने लगा था। बड़े से बड़ा आतंकवादी हो, जब उसके प्राण संकट में आते हैं तो वो भी कांपने लगता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता। शंकराचार्य के पास एक कपालिक आया और कहता है कि आचार्य आप ब्रह्मचारी हैं, आप जैसे योगी ब्रह्मचारी की बलि देने से मेरी सिद्धि पूरी हो जाएगी। मैं रात्रि को आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप मेरे आवास पर आ जाइए ताकि मैं आपकी बलि चढ़ाऊं, क्योंकि आप तो सन्यासी योगी हैं। आप कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आपके लिए शरीर मिथ्या है, तो मिथ्या शरीर का दान देने में आपको क्या डर है? शंकराचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं अवश्य आ जाऊँगा। और शंकराचार्य अपने शिष्यों से नज़र बचाकर आधी रात को उठकर कपाली के पास चले जाते हैं। ऐसा इतिहास में कोई घटना नहीं मिलेगी जिसमें खुद कोई चल करके जाता हो कि मुझे बलि दी जाए, लेकिन उनके एक शिष्य को पता चल जाता है कि आचार्य उस कपालिक के जाल में फंस गए हैं, क्योंकि वह कपालिक शास्त्रार्थ में उनके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाता था। तेजी से पहुंचकर उस शिष्य ने शंकराचार्य की प्राण रक्षा की, अन्यथा शंकराचार्य की वह बलि देने जा रहा था। याद रखिए, जो महापुरुष होता है वो दूसरे के लिए जीना जानता है, उसको मालूम है कि ये शरीर नश्वर है। हमारे समाज के लोगों ने सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति छोड़ रखी है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, जहाँ से भी ज्ञान का प्रकाश मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। हमारे समाज की गरिमा केवल कुछ परमहंसों से टिकी हुई है, नहीं तो बताइए हमारे समाज में इतना त्याग कहाँ है। कोई किसी के लिए अपनी गर्दन देने क्यों जाए। हम दूसरे समाज के महापुरुषों को हीन भावना से देखते हैं। मैं एक दृष्टांत देता हूँ, सच्ची घटना, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ सब सुंदर साधक की आवाज़ मेरी पहुँच रही होगी। नर्मदा के किनारे एक बार ऋषि दयानंद ज्ञान की खोज में घूम रहे थे, बाल्यावस्था थी। वहाँ भी तांत्रिकों ने एक ब्राह्मण बालक को पकड़ लिया था। उस गांव में परंपरा थी कि उस वहाँ बलि दे जाती थी एक बालक की, नियमानुसार हर वर्ष। संयोगवश उस परिवार का वो बालक था, पीछे पीछे माँ रोती जा रही थी और उस बालक को सब लोग ले जा रहे थे देवी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। दयानंद नर्मदा के किनारे ज्ञान की खोज में घूम रहे थे, देखा कि ये एक माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, तो सोचा कि नहीं, इस बालक को तो मुझे बचाना ही होगा। उस तांत्रिक के पास जाकर कहा कि देखो, इस बालक की बलि मत चढ़ाओ, मेरी बलि दे दो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। कपालिक ने, वहाँ भी जो तांत्रिक था उसने कहा कि अच्छी बात है, उस बालक को छोड़ दिया। दयानंद ने अपनी गर्दन रख दी कि मेरी गर्दन काट लो, इस बालक को छोड़ दो। जैसे ही वो तलवार उठाकर काटना चाहता है, इस समय मराठों के सैनिक आ गए, क्योंकि वो खोजा करते थे कि जो बलि चढ़ाते मिल जाएं, उनको दंडित किया जाए। इतने में ही सारी तांत्रिकों की भीड़ वहाँ से भाग छुटी, नहीं तो एक पल में दयानंद की गर्दन कट जानी थी। दयानंद सोचते हैं कि यदि मेरा तन जीवित है तो इसका अर्थ यह है परमात्मा मेरे से कोई महान कार्य कराना चाहते हैं, नहीं तो अब तो पल भर में ही मेरी मृत्यु हो गई होती। मैं पूछता हूँ, एक अपरिचित बालक के लिए अपने प्राण संकट में डालने वाले हम ब्राह्मणियों में कौन है? हम तो ठीक है परमधाम से आए हैं, अपने सामने हर महापुरुष को तुच्छ समझते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने एक कपालिक के कहने पर अपनी गर्दन देने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, दयानंद ने प्रस्तुत कर दिया। यही त्याग तो उनको विश्व में सर्वोपरि बना गया। जब तक हमारे समाज में उच्च शिष्टाचार नहीं होगा, दूसरों के दुख को अपना दुख, दूसरों के सुख को अपना सुख मानने की प्रवृत्ति नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, वाणी का चिंतन मन नहीं होगा, अक्षरातीत को पाने के लिए व्याकुलता नहीं होगी, तब तक केवल मंदिरों में नाच कूद के तमाशे करने से, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ करने से, पानी की तरह पैसे लुटाने से कभी राज्य नहीं मिला करते। हमारा आध्यात्मिक विकास जब तक नहीं होगा, तब तक तरह तरह के तमाशे करने से अध्यात्म का कोई भी मार्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। देवचंद जी ने त्याग किया। 120 किलोमीटर की यात्रा को पैदल चलने का जो दृढ़ संकल्प किया, उस पर कदम बढ़ाए, उसके परिणाम स्वरूप राज जी ने उनके सामने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया था सिपाही के रूप में। अब राज जी क्या करते हैं, देखते हैं कि देवचंद जी के पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में। उन्होंने लेटने के लिए कहा, जांग के मूल में अपना पैर धीरे से दबाया तो जो वात के कारण पेट में दर्द हो रहा था वो मिट गया। फिर दूसरे पैर के भी कि जांग के मूल में दबाया, पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। अब कृपा के सागर वहाँ धामधनी जो सिपाही भेष में है, देवचंद जी के कमर में अपनी पिछोरी बांध देते हैं। देवचंद जी के सारे सामान को अपनी पीठ पर लाद लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरे साथ साथ चलो। आप सोचिए, वो दया का सागर है, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिदार। आप, मैंने पहले ही कहा आप जितना प्रेम करते हैं राजी आपसे 1000 गुना 1,00,000 गुना आपसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप तो अपने प्रेम की ढोल पीटते हैं। सच्चाई तो यह होती है कि आपका प्रेम 80-90% परिवार के लिए होता है, संसार के लिए होता है, अपने लिए होता है। जिस दिन आप सच्चे दिल से उससे प्रेम करेंगे उस क्षण आपके और उसके बीच में कोई पर्दा तो नहीं रहेगा। इसलिए वाणी करती है, पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े लोर। पर्दा हमने खड़ा किया है, जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल तो अदखिन पिम न्यारा नहीं माही रहे हिलमिल। आधे क्षण के लिए राजी हमसे दूर नहीं है, दूर इसलिए है क्योंकि दूरी हमने बनाई है। हमारी दृष्टि संसार को देखने में लगी है, संसार के आकर्षण में फंस गई है। जिस क्षण प्रेम की ज्वाला धधकेगी उस प्रेम विरह की ज्वाला में सारा संसार दिखाई नहीं पड़ेगा, तब प्रियतम का दीदार होता है। देवचंद जी ने वो मंजिल पाई है। अब जिसको खोजने के लिए वो निकल पड़े हैं वही समान हो रहा है, क्योंकि प्रेम की गति न्यारी होती है। प्रेम तत्व को पहचानना बहुत कठिन होता है। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत जिसको खोजते खोजते सुख संकाद आदि के इच्छित शेष न पाए पार, वह स्वयं श्री देवचंद जी के सामान को लेकर चल रहा है। सारी मर्यादाएं तोड़ दी है उसने। इस नश्वर जगत में जिसका कभी पदार्पण नहीं हुआ, श्री देवचंद जी के कारण, मूल संबंध के कारण, जैसे सागर अपने लहरों से अलग नहीं हो सकता, चंद्रमा अपनी चांदनी से अलग नहीं हो सकता, अक्षरातीत अपनी आत्माओं से कैसे अलग हो सकते थे। इसलिए उन्होंने देवचंद जी को दर्शन दे गया और उनके हृदय में यह ज्ञान का प्रकाश किया कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। बातें करते जा रहे हैं ताकि देवचंद जी को शक ना हो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। ये सांसारिक बातों में उलझाए रखा और 120 किलोमीटर की दूरी कुछ देर में ही तय कर डाली। जाकर के कच्छ देश में पहुँच जाते हैं जहाँ बारात वाले अपना सामान रखे पड़े थे, पहले से पहुंच गए थे। वो भोर होने का समय था। देवचंद जी को सिपाही भेष में राज्य कहते हैं कि देखो वही तो तुम्हारे साथी तो नहीं है, उमरकोट के रहने वाले जिनके साथ साथ तुम चले थे पीछे पीछे। देवचंद जी देखते हैं, पहचानने लगते हैं कि हाँ वही तो है। फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो सिपाही नहीं। किया बिलाप याद करते, अब वो बिलख बिलख कर रोने लगे कि जिसको मैं खोजने के लिए चला था वही तो मेरी टोकरी भी उठा रहा था, वही उसी ने मेरे पेट का दर्द भी ठीक किया था, लेकिन ऐसे धोखे में आया, ऐसे भेष में आया कि मेरी आंखें उनको पहचान नहीं सकी थी। इन आंखों से सत्य को पहचानना बहुत कठिन होता है। जब तक हमारी अंतर्दृष्टि नहीं खुलती तब तक सत्य को देखा नहीं जा सकता। वेद के एक मंत्र में कहा है कि सत्य का मुख सोने के बर्तन से ढका हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस अभिहितं मुखम तत्त्वं पुंसन् उपावृण सत्य धर्माय दृष्टे। परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मा तू इस सत्य के मुख को खोल दे, इस स्वर्ण सोने के इस बर्तन के मुख को खोल दे ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। ये क्या है? संसार एक सोने का बर्तन है। संसार के इस आकर्षण में जो फंस जाएगा, रूप का आकर्षण, धन का आकर्षण, पद का आकर्षण, पांचों इंद्रियों से होने वाले विषयों के सुख का आकर्षण, इसमें जीव यदि फंस गया तो सत्य को पा नहीं सकता। यदि परमात्मा की कृपा हुई, इन सारे बंधनों को जिसने तोड़ लिया, हृदय में श्रद्धा और समर्पण की भावना लेकर जिसने परमात्मा के प्रेम में डुबकी लगा ली, परमात्मा तो उसके हृदय मंदिर में अनायास ही प्राप्त हो सकता है। अब देवचंद जी सोचते हैं कि मुझे तो अपने मंजिल मिल गई है जहाँ मुझे चलना था। रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं, लेकिन क्या करें, काम तो आगे करना पड़ेगा। धीरे धीरे चलकर वे अपने उमरकोट के साथियों के पास आते हैं जो पहरे पर खड़े थे। वे पूछते हैं कि देवचंद तुम यहाँ कहाँ से? अंदर ले जाते हैं। कायस्थ जो मंत्री था उनके पास। वो देख करके भौचक्के हो जाते हैं कि देवचंद्र, तुम हमारे साथ तो चले नहीं थे, तुम्हारे पास कोई घोड़ा नहीं, ऊँट नहीं, इस रेगिस्तानी मार्ग में कैसे चल दिए। वो देवचंद जी आध्यात्मिक उपलब्धियों का कभी ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। इससे सबसे अधिक नुकसान क्या होता है? अहंकार की वृद्धि। इस मामले में बहनें बहुत फिसड्डी होती है। थोड़ा सा सपने में कुछ दिख जाए तो 100 से जब तक कह नहीं लेंगी उनका भोजन नहीं बचेगा और सबको बताती फिरेंगी कि आज राज जी ने मुझको ये कहा, मुझको ये कहा। देवचंद जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ सिपाही वेश में साक्षात परमात्मा आए थे और मेरा सामान लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया। बात बदल दी कि जैसे आप लोग चलते गए तो आपके घोड़ों के निशान के पीछे पीछे मैं दौड़ता रहा और परमात्मा की कृपा से ऐसे चलाया जैसे हवा चलती है। सबने ये नहीं सोचा कि 120 किलोमीटर चलने के बाद तो हमारे घोड़े थके पड़े हैं और ये 16 साल का बालक कैसे चल सकता है। लेकिन सबने सोचा कि चलो तर्क वितर्क करने से क्या लाभ है। कहा कि देवचंद जी अब हम भोजन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी हमारे पास से या तो आटा ले लो या हमारे साथ बैठ कर के भोजन आपको करना होगा। देवचंद जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी का बनाया हुआ नहीं खाता, मैं स्वयं बनाऊंगा। सुंदर साथ में ये प्रचलन तो चल गया, अब तो नहीं है। पहले के जो कर्मकांडी बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती थी वो कहती थी कि नहीं, हम दूसरे का बनाया हुआ नहीं खा सकते। धर्मशास्त्रों में सन्यासी को भोजन बनाने की स्वीकृति नहीं है कि यदि वह चूल्हा चक्की ही चलाए करेगा फिर वह ज्ञान का सृजन कब करेगा, भक्ति में कब लगेगा। कई जगह देखा जाता है कि जो बड़े बड़े महात्मा लोग होते हैं खुद बनाते हैं, उसको कहते हैं स्वपाकी, यानी अपने हाथ से भोजन बनाना। धर्मशास्त्र में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मनमाना नियम। देवचंद जी के समय में यह प्रचलित था। हाँ, शुद्धता की दृष्टि से ये किया जाए तो ठीक है, लेकिन भोजन की शुद्धता मन की शुद्धता पर निर्भर करती है। अपने हाथ से भोजन बनाया हुआ व्यक्ति यदि सोच ले कि केवल चूल्हा चक्की में ही सब कुछ है तो ये उचित नहीं। विवेकानंद जी ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि हम भारतवासियों का देवता क्या है? चूल्हा। और हमारा उपास्य मंत्र क्या है? भोजन। यानी सारा ध्यान किसमें रहता है कि हमारे चूल्हे में कोई घुस न जाए, हमारे भोजन को कोई छू न दे। एक का छुआ दूसरे ने यदि खा लिया तो उसको धर्मभ्रष्ट कहते थे और इसी छूतछात की बीमारी ने लाखों हिंदुओं को दूसरे मत में जाने के लिए विवश कर दिया। सारा ध्यान इसी में लग रहा है। ब्राह्मण का छुआ ब्राह्मण क्षत्रिय का छुआ नहीं खा सकते, वैश्य का छुआ नहीं खा सकते, जबकि आपने इतिहास के पन्नों को पलटिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबरी के बेर खाए। सबरी क्या थी? भीलनी थी, भील, सबसे पिछड़ी हुई जाति। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का मेवा ठुकरा दिया और विदुर के घर का साग खाया। हर महापुरुष सबके घर का खाता है। सन्यासी के लिए कोई जाति नहीं है, उसको भंगी भी देगा, चंडाल भी देगा तो खाएगा। हाँ, किसी शराबी के घर का, मांसाहारी के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन जाति देख करके खाना कि इस जाति का शुद्ध है, बिल्कुल गलत है। जो आस्तिक है, शाकाहारी है, धर्मात्मा है, चाहे वह चंडाल ही क्यों ना हो, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन अवश्य करना चाहिए। उस समय की परंपरा के अनुसार श्री देवचंद जी ने कहा कि नहीं, मैं अवश्य अपने हाथ से बनाऊंगा और अपने आराध्य को भोग लगाकर खाऊंगा। देवचंद जी जो अपने पास से आटा लाए थे उसका उन्होंने भोजन बनाया और जानते हैं किसको भोग लगाया? जा स्वरूप को दर्शन पायो। जिस स्वरूप ने उन्हें दर्शन दिया था सिपाही के भेष में, उसी को भोग लगाया। भोग लगाने का भाव क्या है? परमात्मा स्वयं खाता नहीं है। लेकिन यह नियम क्यों बनाया गया है? भोजन करने से पूर्व मनुष्य के मन में जैसी भावना होती है भोजन का परिपाक वैसे ही होता है। जब क्रोध हो रहा हो, मन में बुरे विचार आ रहे हों, तो उसमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि परमात्मा का नाम लेकर हम भोजन करते हैं तो हमारे हृदय में शुद्ध विचार होंगे। इसलिए भोजन के पहले और पश्चात आचमन करने का विधान है, परमात्मा का नाम लेने का विधान है कि हमारे मन में पवित्रता बनी रहे। अन्यथा परमात्मा कभी भोजन नहीं करता। परमात्मा आपके व्यंजनों का प्यासा नहीं है, आपके शुद्ध हृदय का वो प्यासा है। वो चाहता है कि जो मेरे प्रेम में डूबने वाले हैं कभी भोजन करते समय मेरा नाम ले लें ताकि उनका मन पवित्र हो जाए। इसलिए यज्ञ में आहुति करते समय क्या कहा जाता है? इदम नामम इदम वरुणाय इदम मम नामम इदम इंद्राय। यह मेरा नहीं है परमात्मा, यह सब कुछ तेरा है, केवल तू है और तेरा है। हम सुंदर साथ भोग जरूर लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भोग लगाने की जो भावना है उससे बहुत पीछे है। एक पुजारी जी थे, बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं। एक परात खीर वो लौकी की मिठाई दी गई थी, लौकी की बर्फ़ी बना करके, बहुत स्वादिष्ट थी। संध्या आरती में उन्होंने आधा लगा दिया और आधा छोड़ दिया था। शयन आरती में जब उनसे कहा गया कि पुजारी जी वो लाइए, तो कहते हैं कि बिल्ली खा गई। उन्होंने मंदिर की परिक्रमा में बैठकर सारी आधी परात खुद अकेले खा गए। तो बताइए राज्य उस भोग को क्या स्वीकार करेंगे? जब स्वादिष्ट पदार्थ को देखकर तृष्णा अंदर मन में है कि अकेले ही खा लूँ, वैसा व्यक्ति यदि मंदिर में 10 बार भोग लगाए तो उसे क्या मिलने वाला है? यह जीवा का चस्का ही तो है। इसलिए सच्चा भोग लगाना क्या होता है? हृदय का समर्पण। हम कुछ तो सीखें, जो हम खाते हैं उसको परमात्मा के नाम पर समर्पण करना सीखें। तन का समर्पण, हमारा तन यदि शक्तिशाली है तो इसको मानवता के कल्याण में समर्पित करें। हम समझें कि हमारा यह तन हमारा नहीं है, हमारी पत्नी का नहीं है, यह हमारे पति का नहीं है। पति और पत्नी एक दूसरे के लिए देवी देवता के समान है, एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन परमात्मा का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, संगी संबंधियों के लिए जीते हैं, परमात्मा के लिए नहीं जीते। जिस दिन हम समझ जाएंगे हमारा तन उसका है, हमारा मन उसका है, हमारा जीव उसका है। तन मन जीव निछावर किन्नो श्री महामत चरणों लाग। तन मन और जीव जब उस सर्वशक्तिमान अक्षरातीत के लिए सौंप दोगे तब समझिए कि आपने सच्चा भोग लगा लिया। आज तो ये है 100 रुपया की मिठाई की पैकेट खरीदते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, कहते हैं कि हे परमात्मा आपको मैंने बहुत बढ़िया भोग चढ़ा दिया है, आप 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए तो मैं और चढ़ा दूँगा। ये क्या है? ये दुकानदारी है, ये भोग लगाना नहीं हुआ। लेकिन देवचंद जी जो खाते हैं वही रूखा सूखा सच्ची भावना के साथ लगाते हैं। जिस स्वरूप को उन्होंने मार्ग में देखा था सिपाही के भेष में, उसको भोग लगाया और उसके पश्चात आराम करते हैं और निकल पड़ते हैं खोज में, कच्छ देश में। जगह जगह जाएंगे, किसकी खोज में? अपने आराध्य को, अपने प्राणेश्वर को खोजने में। हमको तो सब कुछ खोजा खोजाया मिल चुका है, हमको तो घर बैठे मक्खन मिल चुका है, लेकिन मक्खन निकलेगा दूध से, दही से निकलेगा। दूध और दही के लिए तो गाय पालनी पड़ती है। मैं एक संसारिक दृष्टांत दे रहा हूँ। यदि बिना परिश्रम के हमको मक्खन मिल जाए और फिर भी हम उसको खाना नहीं चाहें, हमें उल्टी आने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? देवचंद जी का जीव जानता होगा। तारतम्य ज्ञान पाने के लिए, अक्षरातीत का दर्शन करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे कष्ट झेले हैं। परमधाम की जब ब्रह्मवाणी उतरी होगी, सुंदर साथ जो श्री जी के साथ 5000 की संख्या में पन्ना जी पहुँचा, उन सुंदर साथ ने मार्ग में भीख के टुकड़े ग्रहण किए। कई कई महीनों तक भीख मांग मांग कर सब सुंदर साथ लाते हैं, श्री जी को भी खिलाते हैं, खुद खाते हैं। आज तो हम अपने वातानुकूलित गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे भोजन करते हैं।